नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के 15 वर्ष प्रदेश के सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर समय जनता के बीच जाकर उनके सुझाव मांगे हैं, अनुपम प्रयोग किया है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। चौहान जी की सरकार के देश में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के 15 साल रहे हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, पब्लिक डोमेन में हमारे हर योजना, उसकी सफलता और उसके माध्यम से हम किस उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं ये आना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय जनता के बीच में जाकर यदि जनता के सुझाव लेकर सरकार चलाने का अनुपम प्रयोग किया है तो उसके साथ ही अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीएम हेल्पलाइन जैसा प्रकल्प शुरू किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी समस्या के बारे में सीधे सरकार में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये पहली सरकार है जिसने बजट से लेकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता से सुझाव मांगे और उसको समाहित किया। शिवराज सिंह चौहान जी की पहली सरकार है जिसने अलग अलग वर्गों की पंचायत स्थापित करते हुए उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आशा आकांक्षाओं को उनकी योजनाओं में तब्दील किया और अब हम ताकत के साथ इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया है। आर्थिक अनुशासन से लेकर पारदर्शी प्रशासन, सुव्यवस्थित राज्य, जबरदस्त विकास, कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, ये हमारी सरकार की खूबी है। और इन सब की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का आज माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के सामने उसको लोकार्पित करेंगे।